हेलो गाइस, कैसे हो? आशा है सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम तुंगनाथ महादेव की यात्रा करेंगे, जो कि पंच केदार में तीसरे स्थान पर अपना स्थान रखते हैं। गाइस, तुंगनाथ उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। गाइस, तुंगनाथ महादेव जाने के लिए हमें गोपेश्वर से लगभग 40 किलोमीटर दूर चोपता पड़ता है। दो रास्ते हैं इसके, एक गोपेश्वर से होते हुए जा सकते हो, दूसरा आप ऊखीमठ से। गोपेश्वर और ऊखीमठ जाने के लिए आपको रोड में पहले भी मैंने बता रखी है, आप केदारनाथ वाले में और मधुमेश्वर वाले रास्ते में आप वीडियो में आप देख सकते हैं। और गोपेश्वर से चोपता की बात करें तो 40 किलोमीटर पड़ता है, और ऊखीमठ से लगभग 24 किलोमीटर पड़ता है। और चोपता के आगे ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, पैदल यात्रा जो लगभग 3 किलोमीटर की रहती है मंदिर की। और उसके ऊपर जो है वो चंद्रशिला सनराइज पॉइंट है, जहाँ से सूर्य भगवान को उगते हुए देखा जाता है। ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ से सूर्य भगवान को देखा जा सकता है सुबह सुबह। गाइज, इस मंदिर की ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से तो 3460 मीटर है, लगभग 13,000 फीट। और उसके ऊपर अगर चंद्रशिला की बात करें तो 14,000 फीट पे है। गाइज, इस मंदिर में माता पार्वती ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए या विवाह शादी से पहले यहाँ पर तपस्या की थी, और पांडवों द्वारा भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये मंदिर बनाया गया था, जो नीचे है। अभी हम चंद्रशिला सनराइज पॉइंट में हैं। गाइज, रात में लगभग 2 बजे हम निकले थे ट्रैकिंग के लिए, तो इधर 5 बजे या 6 5 बजे पहुँच गए थे लगभग। गाइज, तुंगनाथ की चोटी तीन धाराओं का स्रोत है, जो कि अक्षकामिनी नदी बनाती है, और 12 से 14 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो ये जनवरी फरवरी महीनों में यहाँ बर्फ रहती है, और गढ़वाल हिमालय के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। मखमली घास के मैदान और उसमें खिले फूलों से इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, इसलिए इसे लोग स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर बस व गाड़ी के द्वारा सीधा बुग्यालों में घुसा जा सकता है। गैस, बुग्याल के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, जहाँ घास के मैदान होते हैं, छोटी छोटी घास के लिए होते हैं, उसको बुग्याल बोलते हैं। गैस, सबसे सही समय है जाने का मई से नवंबर, जनवरी फरवरी में भी जा सकते हैं, लेकिन बर्फ़ मिलेगी आपको, थोड़ी चलने में कठिनाई होगी। गैस, ये यात्रा है, बाकी आगे का आप लाइव देखिए। ये हमारे सभी भाई लोग सूर्योदय का दर्शन करते हुए, सूरज भगवान भी आज बहुत सर्दी खा रहे हैं भैया, सोने की तरह एकदम। दोनों से क्या रिकॉर्डिंग बना रहे हो? ले आइए, हमारे मनीष भाई है, जो हमारे केसियर बड़े, आज तक टाइम पे खाना नहीं खिलाया इन्होंने कभी भी। ये हमारे मनोज भैया है, जो केवल मुस्कुराते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। घी एक्सपर्ट, कौन सा घी ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट बता सकते हैं हमारे मनोज भाई जी। ये हमारे ज्ञानी ज्ञानी पुरुष है, बहुत ज्ञान पीलते हैं ये। हमारे बियर गिल्स हेमंत कुमार, ये भागते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते। ये हमारे सबसे खतरनाक ट्रैकर, जिनको अगर गलती से अगर चाय पिला दिया तो फिर वो दिखेंगे नहीं।
कहाँ उड़ जाएंगे एकदम करके। तो ये मैं बहुत ही सीधा साधा लड़का, तो इन सबको मैनेज कर रहा, बहुत दुखदाई है, बहुत मुश्किल है इनको मैनेज करना। हम अभी उतरे हैं तुंगनाथ और चंद्रशिला से, हालत लगभग सबकी खराब है। अब हम नीचे जाके हमारा नेक्स्ट टूर होगा अगस्त में।